हे गाइस, तो यार इम्पोर्टेंट कंसर्न होने वाला है रिगार्डिंग द आईसर एग्जामिनेशन एंड आईएटी टेस्ट एंड अदर। और आईसर में क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि आप अगर अभी अगर देखो तो वहाँ पे आईसर की वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा कि जस्ट 25 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और मेजरली अगर आपको बात करूँ अपन आईसर के आईएटी टेस्ट के बारे में, तो यार इस बार जो है बड़ा चेंजेज आया है, क्योंकि इतने साल जो होता था क्या होता था कि जो है टॉप 20% बच्चों को लिया जाता था आईएटी टेस्ट के लिए, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार जो है ऑलमोस्ट सभी के सभी जो है बच्चे इनरोल कर सकते हैं जो 60+ मार्क्स लेकर आए हैं, और एससी एसटी कैटेगरी वाले 55% मार्क्स लेके आए हैं। तो यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले जो है टॉप 20% बच्चों को लेते थे, अब सारे बच्चे जिनके 60% मार्क्स ऑलमोस्ट इंडिया में क्राइटेरिया होता है हर जगह, जिनके फर्स्ट डिवीजन है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो आईसर आईएटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। अब अपन बात करते हैं कि आईसर का एग्जामिनेशन कब होने वाला है और इसके जो डेट वगैरह दिए गए हैं, क्या यह पोस्टपोन होगा। सो यार जनरली अगर अपन वैसे अपन बात करें तो यार जैसे जेई एडवांस के एग्ज़ाम जो होने वाला है आपको 28 यानी कि 28 अगस्त अपन एक्सेप्टेड मान रहे हैं। 28 अगस्त को अगर आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है जेई एडवांस का, देन उसके बाद में जो है आपका आईसर का काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। एंड डिपेंड करता है योर के ओ पी वाई एग्ज़ाम पे भी, तो के ओ पी वाई का एग्ज़ाम अभी तक जो अपडेट है वो तो 22 मई ही है, लेकिन यार 22 मई दिस इज़ नॉट सफिशेंट, तो के ओ पी वाई एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा, क्योंकि जो है 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया ना तुमको। लेकिन यार के ओ पी वाई का एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन होने के कम चांसेस है, क्योंकि जो है के ओ पी वाई एग्ज़ाम में क्या हुआ था, जनरली ये जो जनवरी में होने वाला था या फिर दिसंबर में होने वाला था, ड्यू टू कोविड-19 5 महीने इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो जस्ट इसके पोस्टपोन होने के कम चांसेस है, लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि के ओ पी वाई का जो मेजरली जो हम यूज करेंगे वो है IASC बेंगलोर और आईसर के अंदर, राइट। सो यार आईसर में एडमिशन का तो एक ये सिंपल सा फंडा हो ही गया कि आपके जो है कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि 60% वाले बच्चे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन जो है 2021 में और 2022 में जो बच्चे जो है 12th पास की है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री थी या फिर जो है अगर आपने मार्क्स बढ़ाने के लिए दोबारा अप्लाई किया तो वो उनको जो है सबसे बेस्ट जो होगा दोनों में से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, देन अब आगे अपन बात करें आपके एग्जामिनेशन आईसर के कब हो सकते हैं, तो यार जुलाई के अंदर आप मान के चल सकते हो, ठीक है, जुलाई में आप आईसर के एग्जामिनेशन मान के चल सकते हो कि जुलाई में आपके जो एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट जो अगर आपका आईसर का एग्ज़ाम अगर अप्रैल में ही वो लोग ले लें, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो अगस्त के बाद ही स्टार्ट होने वाला, ठीक है, तो वो लोग यही चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि आपके जो है एडमिशन प्रोसेस तो आफ्टर जेई एडवांस एग्ज़ाम के ही होगा, और जेई एडवांस का आपको एग्ज़ाम पता है कब होने वाला है, क्योंकि जून के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट है, देन जुलाई में सेकंड होगा, देन जेई एडवांस अगस्त में होगा, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको मतलब पहले एग्ज़ाम लेके क्या ही करेंगे आईसर वाले, राइट, क्योंकि एडमिशन तो जेई एडवांस के बाद में स्टार्ट होने वाला है, तो इस बार आप मान के चल सकते हो कि जो आईसर के एग्जामिनेशन है वो जुलाई में हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए। और यार ये एक मेजर बहुत ही बड़ा अपडेट था कि आपके आईसर के लिए जो है हटा दिया गया क्राइटेरिया सारा का सारा, तो खूब पढ़ते रहिए। आईसर का क्रेश कोर्स वगैरह भी आप ले सकते हो, जिसके अंदर हमारी टीम आपको प्रिपरेशन कराती है, और मिशन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम भी चल रहा है, तो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।